अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही मूड ऑफ हो चुका है हमारा, क्योंकि पिछले कई सालों से हम ढूंढ रहे इंसानियत को ढूंढ रहे, और पता है क्या मिला हमको मिले ये कैमरामैन बेचारे जो बोल रहे हैं मरते हुए भी आदमी को कि आपको कैसा लग रहा है, मरते हुए आपको कैसा लग रहा है, आप प्लीज़ बता दीजिए हमें। है भाई, हद है हद, कसम से। मतलब आई फील शेम अबाउट दिस, आई फील शेम अबाउट बींग बिलोंगिंग टू दिस ह्यूमैनिटी, जिसको बोल रहे हैं आप इंसानियत ख़त्म है भाई साहब। तो अब कल जो उस पर बात करते हैं, एयरबेल में जो इंसिडेंट हुआ, अब इसको आप सुसाइड कहेंगे कि मर्डर कहेंगे? कश्मीरिस्तान एक बड़ा पेज है जिस पर बोला जा रहा है कि ये जो इसने डुबकी लगा दी, जंप किया, तो वो बेचारा थोड़ा मेंटली रिटार्डेड था। तो अब यार, अब देख सकते हैं कि वो बेचारा किस अंदाज से, देखिए आप किस अंदाज से वो डुबकी लगा रहा है, आप देखिए। फिर आप तो आपने देखा इस तरीके से, आगे भी आप देखिए कि कह रहे बचो हुआ बचो हुआ, कोई बचा ही नहीं रहा है भाई साहब। ऐसे कैमरा खींच रहे बचो हुआ बचो हुआ, खुद थोड़ी बचेगा भाई साहब, करंट जा रहा है, वाटर करंट कुछ चीज़ होती है, कोई मरवत नहीं, कोई गैरत नहीं, कोई इंसानियत नहीं, शर्म की बात है भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, आई फील शेम अबाउट बिलोंगिंग टू द एनिमल किंगडम। कल से मैं यार कुछ और ही बेच दो, हमें किसी प्लांट किंगडम में ही बेच दो हमको यार, लेकिन नहीं, इंसानियत ख़त्म हो चुकी है कसम से, बहुत ही तंग आ चुका हूँ मैं। तो वही आएगा दौर जब ये कैमरा लेके बैठे होंगे और बताएंगे हाई आपको मरते हुए कैसा लग रहा है कसम से। तो बताइए खुद ये मर्डर की सुसाइड है भाई। अब आदमी थोड़ी इस तरीके से आराम से जंप लगाएगा और सुसाइड करने जाएगा, उसको सुसाइड करवा दी गई भाई साहब, बेचारा पागल है। यहाँ पे तो कश्मीर में ऐसी प्रॉब्लम ही थी, सु प्रोवोक करने की आदत ही होती है उनको, हाँ लगा दो मजा है भाई यार, हद है कसम से। मैं रिएक्शन तो नहीं देता, लेकिन आज सोचा इस पर जरूर देना है रिएक्शन। क्या यार, कोई गैरत नाम की चीज़ ही नहीं है सब बेचारे को यार। अब क्या जवाब देंगे हम उस ऊबर वाले से कि इसको किसने मरवाया बेचारे को, अगर ऐसा है, क्योंकि अभी मुझे न्यूज़ में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और मैंने कुछ लोगों को फ़ोन भी किया, उन्होंने बोला हाँ ये थोड़ा मेंटली रिटार्डेड था, तो भाई साहब ये थोड़ी खुदकुशी करता है, तो इनको मत ही जाने ही मत दे भाई साहब। अथॉरिटीज़ में बोल रहा हूँ इनको, ऐसे लोगों को तो कैमरा लेके एयरबेल के पास जाने ही मत दे इनको, बिना लाइसेंस के फ़ोटो उठाने, लाइसेंस के बिना एयरबेल के पास जाने ही मत दे इनको, फोटोग्राफर्स को ऐसे सेल्फी खींच रहे हुए, कोई हद ही नहीं है। तो आप ही बता दीजिए कि क्या करें भाई। हाँ, बहुत ही मूड ऑफ है हमारा, सॉरी भाई साहब, जो मैं यार क्या करूँ, सॉरी यार, हम इंसान नहीं है, हम सॉरी इंसान ही नहीं है भाई साहब, इंसान है ही नहीं।